हे hey, नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है काउंटर सिस्टम के इस ट्यूटोरियल में, जहां मैं पहले ही दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं और ये फाइनल और तीसरा पार्ट है, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर काउंटर सिस्टम लगा सकते हो। तो गाइस, एक और बात कि बहुत सारे यूज़र हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम काउंटर सिस्टम की AI दे दें, तो अगर आपको काउंटर सिस्टम की AI चाहिए तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस बीच में मैं आपको कहीं ना कहीं एक क्लू दे दूंगा कि किस तरह आपको AI मिल सकती है काउंटर सिस्टम की। तो इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बेसिकली एक ऐसा काउंटर सिस्टम है जो कि आपके ऐप में बैकग्राउंड में चलता है, जैसे कि हम प्रोफेशनल ऐप्स में कई बार देख चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे ऐप में बैकग्राउंड में वर्क करेगा। फिर चाहे आपका ऐप फ़ोन में हो ना हो, अगर यूज़र ने एक बार अपनी आईडी से टाइमर को स्टार्ट कर दिया तो कुछ भी हो जाए वो टाइमर वर्क करता रहेगा, जब तक कि टाइमर कम्प्लीट ना हो तब तक वो स्टॉप नहीं होगा। चाहे यूज़र अपने फ़ोन से ऐप हटा दे, फिर भी वो जो हमारा टाइमर है अच्छे से वर्क करता रहेगा। तो गाइस, अभी तक अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वो दोनों वीडियो देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइमर सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, किन किन कंडीशन में वर्क करेगा और उसको बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है कुछ ब्लॉक कैसे आपको चेंज करने, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताया है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको सब कुछ कि क्या क्या ब्लॉक आपको लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कैसे आपके ऐप में काउंटर सिस्टम बनेगा। और ये फाइनल और थर्ड पार्ट है, इसके अंदर मैं आपको जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन रह गया था हमारा, वो मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आप अपने एप्लीकेशन के अंदर काउंटर सिस्टम बहुत ही इजीली लगा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र, आप देख लो प्लेयर टीवी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने काउंटर सिस्टम को डिज़ाइन किया था, कैसे डिज़ाइन करना वो मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर किया था। उसके अलावा कैसे हमारा जो स्क्रीन इनिशियलाइज़ जो है, जो ब्लॉक्स है वो वर्क करेंगे, साथ ही साथ अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन चला जाता है तो कैसे वर्क करेगा, और साथ ही साथ अगर आपका ऐप जो है उसमें यूज़र एक बार स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद में ऐप को क्लोज करता है, अनइंस्टॉल कर देता है, क्लियर डाटा कर देता है, तो कैसे वो वर्क करेगा, वो सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। और हम देख रहे थे प्रोसीड्यूर को कि प्रोसीड्यूर कैसे वर्क करता है। तो हमारा आधा प्रोसीड्यूर कल कंप्लीट हो चुका था, यानी पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। उसके आगे का जो प्रोसीड्यूर है वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम स्टार्ट बटन का भी देखेंगे कि स्टार्ट बटन हमारा जो है कैसे वर्क करेगा। जो ब्लॉक था हमने गेट ग्लोबल टेम का, वो यहाँ पे लगा दिया है, ताकि इन दोनों में वैल्यू तो अभी सेम ही रहेगी, आगे जाके चेंज हो जाएगी। डन। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और इफ देन का ब्लॉक लगा देना, सिंपल था, इफ देन एल्स का एक ब्लॉक लगाना है। उसमें हमें क्या करना है, जो ग्लोबल टेम्प टाइम, यानी कि जो हमारा ग्लोबल सेकंड निकला था, टेम्परेरी सेकंड निकला था, जो हमने टाइम को रिमेनिंग टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया था, वो उसको हमें चेक करना है कि अगर वो 60 से बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो इन केस जो हमारा ग्लोबल टेम्परेरी टाइम था वो बड़ा हुआ 60 से, तो हमें ये वाला काम सारा करवाना है, और अगर नहीं हुआ तो हम सिंपल सा ये वाला काम करवाएंगे। तो ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ कि अगर इनकेस मान लीजिए बड़ा हो गया, जो कि भी टेम्परेरी सेकंड है वो 60 से बड़ा हो गया, तो क्या करना है। तो अगर हमारा टेम्परेरी टाइम जो है, यानी टेम्परेरी सेकंड जो है वो 60 से बड़ा हुआ, तो हम ये करेंगे ग्लोबल टेम्प एम, यानी कि ग्लोबल टेम्परेरी मिनट का जो हमने एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे, उसके अंदर हम यहाँ पे जो है वैल्यू स्टोर करवाएंगे यहाँ पे, कॉल क्लॉक वन ड्यूरेशन टू मिनट। ये भी आप जाओगे क्लॉक वन में तो यहाँ पर मिल जाएगा ड्यूरेशन टू मिनट का एक ब्लॉक, तो इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं ड्यूरेशन टू मिनट। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक्स टाइम, यानी जो हमारा यहाँ पे टेम्परेरी मिली सेकंड जो हमने स्टोर किया था, रिमेनिंग टाइम जो था उसको मिली सेकंड में हमने यहाँ पे स्टोर किया था, वही हम यहाँ पे भी लगा देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा जितना भी रिमेनिंग टाइम था वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लोबल टेम्प एम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी हमारा करंट रिमेनिंग टाइम जो भी बच रहा था वो यहाँ मिनट में कन्वर्ट होकर इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एक्स एस, जो भी ग्लोबल का जो एग्जैक्टली जो सेकंड बचा था हमारा वो क्या है। ठीक है, तो मिनट तो हमने यहाँ पे कर दिया, तो अब एग्जैक्टली जो सेकंड है वो हम यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्लोबल एस में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्लोबल एस का जो टाइम है, ग्लोबल एक्स एस यानी एग्जैक्टली जो सेकंड है उसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ग्लोबल टेम्प एस, जो भी टेम्प एस हमारा टेम्परेरी सेकंड जो भी है उसको डिवाइड करेंगे 60 से। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो टाइम था ग्लोबल सेकंड का, ठीक है, जो भी टेम्परेरी सेकंड थे उनको मिनट में कन्वर्ट कर सके। बेसिकली हमने यहाँ पे टेम्प एम जो है इसमें हमने मिनट में कन्वर्ट यहाँ पे इस ब्लॉक से कर लिया था, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट टाइम है वो हमें इससे ही मिलेगा, और इसको हम यूज़ करेंगे इसमें से माइनस करके जो एग्जैक्ट सेकंड है वो निकालने के लिए। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया मैं कुछ अलग तरह समझाता हूँ। मान लीजिए आपका जो टोटल सेकंड था वो था 5 मिनट 10 सेकंड के बराबर, ठीक है, यानी कि 6530 और प्लस 10 सेकंड यानी कि 310 सेकंड। ठीक है, 310 सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम था, ग्लोबल एक्स टाइम जो है इस मिली सेकंड जो था हमारा वो था 310 सेकंड के बराबर।
ठीक है, वो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था टेम्प एस में, हमें मिल गया 310 सेकंड, लेकिन यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5 मिनट की। ठीक है, तो अब हमारा 10 सेकंड गया था, वो कहाँ गए, वो कहाँ जाएगा अब, उसके लिए हम ये वाला ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो ग्लोबल एस का जो टाइम है यानी टेम्परेचर सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारा जो है मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी वो भी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लोबल टेम्प एम जो हमने मिनट में वैल्यू कन्वर्ट की थी उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, या फिर सिंपल से ये वाला जो ब्लॉक है इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देंगे, ताकि हमारा जो कंप्यूटर या फिर जो आपका एप्लीकेशन जो है वैल्यू कन्वर्ट कर रहा है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मेरी वैल्यू आई, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई वो आई 5 मिनट 10 सेकंड की, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 5 मिनट की आई, तो 5 मिनट 10 सेकंड में से 5 मिनट यहाँ पे माइनस हो जाएंगे और हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 10 सेकंड की। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 310 सेकंड हमारे पास अवेलेबल है अभी, ठीक है, हमारी जो टेम्प ग्लोबल एस जो है इसकी जो वैल्यू है अभी हमारी वो हो गई 310 सेकंड, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आएगी 5.166667, ठीक है, जो भी ऐसी वैल्यू है ये आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई वो आई हमारी ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी वो थी एग्जैक्ट 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से कन्वर्ट करते टाइम को तो हमारा जो एग्जैक्ट मिनट होगा वो भी बताएगा, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे नहीं बताएगा। तो इसकी वैल्यू थी 5.1.6, तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 5.166667, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी 5, तो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो सिंपल सा 5 मिनट हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा 0.16 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 60 इतना लंबा नहीं लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 60 से। ठीक है, तो ये जो है हमारा 9.6 यानी अप्रोक्स 10 सेकंड जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो ये हमारा एग्जैक्टली सेकंड कितना होगा, हमारा एग्जैक्टली जितना सेकंड होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा लंबा ब्लॉक हो गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्लोबल टेम्परेचर सेकंड जो था उसको हमने डिवाइड किया 60 से, उसके बाद उसके जो वैल्यू हमें मिली उसको हमने माइनस किया एग्जैक्ट जो मिनट हमने हमारा एप्लीकेशन बना के दे रहा है, हमें एग्जैक्ट मिनट जो हमारा एप्लीकेशन कन्वर्ट करके दे रहा है उससे, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारा एग्जैक्ट कितना सेकंड रिमेन हो रहा है वो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ देन का एक ब्लॉक लगा देंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ग्लोबल टेम्परेरी मिनट यानी ये वाला ग्लोबल टेम्परेरी जो मिनट है इसकी वैल्यू अगर या तो 9 है या फिर 9 से छोटी है, तो जो mm का जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए जॉइन 0 लगा दिया हमने, 0 इसलिए लगाया हमने ताकि जो हमारा टाइम है वो अच्छे से शो हो कर सके। अगर इनके से हम 0 नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे जो 05 वाला यहाँ पे सिर्फ 5 शो करेगा, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया जॉइन लगा दिया यहाँ पे और 0, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, और इन केस अगर 9 से बड़ा हुआ नंबर तो हमारी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे जो भी mm जो है टेम्प एम की जो भी वैल्यू होगी वही हमें यहाँ पे शो कर देगा। ओके, अगर छोटी हुई वैल्यू तो यह 0 लगा देगा, और छोटी नहीं हुई 9 से बड़ी हुई तो हमें जो भी वैल्यू है वही शो कर देगा। सेम हम सेकंड में भी करेंगे, अगर सेकंड जो है 9 से छोटा हुआ तो हम SS का जो टाइम है उसमें 0 लगा देंगे, और बड़ा हुआ तो जो एग्जैक्ट है वही हमें यहाँ पे शो करवाना है। और HH के लिए मैंने यहाँ 0 0 यूज़ किया है, क्योंकि HH तो हमारा वैसे 0 0 ही था, और जो क्लॉक 1 का टाइमर है 1 सेकंड वाला इसको हम यहाँ पे इनेबल टू ट्रू कर देंगे। डन, ठीक है, ये हो गया इन केस अगर हमारा जो ग्लोबल सेकंड हमें मिला है वो 60 से बड़ा हुआ तो ये पूरा वर्क होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन केस जो हमारा टाइम था वो जो सेकंड हमें मिले थे वो 60 से कम हुए तो क्या होगा। अगर हमारा जो सेकंड हमें मिले थे वो 60 से कम हुए तो HS का जो टाइम है वो 0 0 हो जाएगा, MM का टाइम भी 0 0 हो जाएगा। उसके साथ जो हमारा इफ देन एल्स का एक ब्लॉक लगेगा, इसमें ग्लोबल टाइम जो है वो 9 से कम हुआ, यानी कि हमारा ये वाला या ग्लोबल टेम्प टाइम यानी ग्लोबल जो टेम्परेचर सेकंड जो मिले थे वो, ठीक है, टेम्परेचर जो सेकंड है हमारे अगर 9 से कम हुए तो यहाँ पे 0 लगा देगा, और 9 से कम नहीं हुए 9 से ज़्यादा हुए तो ये हमें जो भी एग्जैक्ट हमारा सेकंड जो भी हो रहा था वो हमें यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे भी हम क्लॉक 1 के टाइमर को इनेबल कर देंगे। आई थिंक अभी तक सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये कुछ प्रोसेस ही ऐसी थोड़ी लंबी प्रोसेस है, मुझे खुद के बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन आई थिंक आपको समझ में तो सब कुछ आ ही रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्लॉक 1 का टाइमर तो इनेबल हो जाएगा दोनों ही कंडीशन में, अब क्लॉक 1 का टाइमर जब कंप्लीट होगा तब क्या होगा, क्योंकि क्लॉक 1 का टाइमर हमारा सिर्फ 1 सेकंड का था, तो जब 1 सेकंड का टाइमर होगा तब क्या होगा। तो इसका ब्लॉक कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ब्लॉक है और लास्ट ब्लॉक बचे हैं, ये आप अच्छे से समझ जाओगे। तो जब क्लॉक 1 का जो टाइमर है वो काम करेगा, कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इफ देन का एक ब्लॉक लगेगा सिंपल सा। उसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि SS का जो टेक्स्ट है यानी कि हमारा सेकंड वाला जो टेक्स्ट है ये वाला, ये चेक करेगा, या सॉरी यहाँ पे नहीं, वापस बताता हूँ,
ये वाला जो टेक्स्ट है सेकंड वाला SS का जो टेक्स्ट है, ये अगर 00 हुआ, ठीक है, इनकेस 00 हुआ तो फिर ये चेक करेगा कि मिनट का जो टेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है। अगर मिनट का टेक्स्ट 00 नहीं हुआ, ठीक है, SS का टेक्स्ट तो 00 होगा, लेकिन अगर मिनट का टेक्स्ट 00 नहीं होगा तो ये एक और इफ देन लगेगा यहाँ पे, और इसमें चेक कर देगा कि MM का जो टेस्ट था अगर 9 के बराबर या 9 से छोटा हुआ, ठीक है, या तो 9 के बराबर हुआ MM का टेस्ट या 9 से छोटा हुआ, तो MM की जो वैल्यू है वो कर देगा 0, और फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू हमें 9 है तो 9 कर देगा, 8 है तो 8 कर देगा, 7 है 7 कर देगा, जो भी है वो करके उसमें से -1 यहाँ पे कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं MM की वैल्यू अभी हमारी करंट वैल्यू है 9, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर 9 हुई करंट वैल्यू, तो MM की जो वैल्यू हमें करेगा टेक्स्ट जो चेंज करेगा वो कर देगा 0 9 माइनस 1 के, तो हमारा वैल्यू आगे 8, तो 08 जो है हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करेगा MM के लिए, इन केस अगर SS का जो टाइम है वो 00 हुआ, MM का टाइम 00 नहीं हुआ तो ये वर्क कर देगा, और यहाँ पे SS की जो वैल्यू वो 59 सेट कर देगा, ठीक है, 00 नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू 59 कर देगा, और इसकी MM की जो वैल्यू है वो -1 कर देगा, ठीक है। और अगर इफ देन SS का जो टाइम है वो 00 हुआ, MM का जो टाइम है वो भी 00 हो गया, तो हमारा जो बटन था वो इनेबल टू ट्रू हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, SS का टाइम जो बाय डिफॉल्ट 00 था वो हो जाएगा, MM का टाइम बाय डिफॉल्ट मैंने 05 रखा था वो हो जाएगा, SS का टाइम जो मैंने बाय डिफॉल्ट 00 रखा था वो हो जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा, और साथ ही में क्लॉक 1 का टाइमर फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, तो सब कुछ क्लियर है अभी तक। और यहाँ पे अगर SS का टाइम 00 नहीं हुआ, 00 हुआ तो ये काम कर लेगा, लेकिन अगर 00 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अगर SS का टाइम 00 नहीं है तो ये चेक करेगा कि SS का टाइम 10 या उससे छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा हुआ SS का टाइम 10 से, तो यहाँ पे SS का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा 0, और जो भी करंट वैल्यू होगी यहाँ पे उसमें से -1, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 09 कर देगा, 9 है तो 08 कर देगा, इस तरह से यह फर्क करेगा। अगर SS की SS का जो टेक्स्ट है, SS की जो वैल्यू है वो 10 या उससे कम हुई, तो ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। अगर इन केस ये वाली कंडीशन भी नहीं हुई और ये वाली कंडीशन भी नहीं हुई, तो हमारा जो थर्ड कंडीशन है ये वर्क करेगी, SS का टेक्स्ट या तो 1 भी नहीं होना चाहिए या फिर 00 भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों के अलावा अगर SS का टेक्स्ट कुछ भी हुआ तो ये क्या करेगा, SS का टेक्स्ट जो भी है उसमें से -1 करके यहाँ पे शो करवा देगा। आई थिंक अभी तक सब कुछ कंप्लीट है, अब एक सिंपल सा वर्क रहेगा हमारा स्टार्ट बटन का, वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद हमारा जो ये काउंटर सिस्टम है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टार्ट का बटन, इस पर हम देख लेते हैं इसमें क्या वर्क करना है। तो जैसे ही हमारा स्टार्ट बटन क्लिक हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेन बटन पे ये वर्क करेगा, तो किसी भी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने अब स्टार्ट बटन के लिए लगाया, तो वेन स्टार्ट वन क्लिक, यानी स्टार्ट बटन जो है क्लिक होगा, तब सबसे पहले चेक करेगा कि इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। इन केस इंटरनेट कनेक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, 3db के अंदर हमारी एक वैल्यू स्टोर कर देगा, सी टाइम्स सी ब्लॉक के अंदर, यानी कि सी टाइम्स सी टैग के अंदर एक वैल्यू स्टोर करेगा करंट टाइम। करंट टाइम आपको कैसे मिलेगा, तो ये गेट माइल्स और कॉल नाउ वाला जो ब्लॉक है आपको ये उठाना है क्लॉक वाले कंपोनेंट के अंदर से, और यहाँ पे लगा देना है, तो इससे हमारा जो करंट टाइम है वो 3db के अंदर स्टोर हो जाएगा सी टाइम्स सी टैग के अंदर। और सेम कंडीशन आपको लगानी फायरबेस के लिए भी, कि फायरबेस में भी आपको डेटा स्टोर करना है सी टाइम्स सी जो हमारा ब्लॉक था टेक था सी टाइम्स सी जो हमारा टेक था उसी के अंदर हमें जो करंट टाइम है वो यहाँ पे स्टोर करवा देना है। सब कुछ क्लियर। उसके बाद अगर हमारा टाइम स्टोर हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, क्लॉक वन का जो टाइमर था उसको ट्रू कर देंगे, ताकि जो है 1 माइनस सेकंड जो है वर्क कर सके, और साथ ही साथ जो हमारा स्टार्ट बटन था इसको हम विजिबल टू फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, और जो स्टार्ट का बैकग्राउंड कलर था वो हम ग्रे कर देंगे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हुआ तो ये सारा वर्क हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ तो हमारा एरर शो कर देगा, ठीक है। अगर एरर शो हुई और यूज़र ने अपने मैसेज पे क्लिक किया कि एरर शो हो रही है, उस पर ट्राई अगेन का बटन आ रहा है, उस पर यूज़र ने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो क्लिक करने के बाद हमारा सिंपल सा यहाँ पे स्पिनर वर्क करेगा, ठीक है। स्पिनर क्या करेगा, वर्क करेगा, लोडिंग टाइम करेगा, ठीक है, 3 सेकंड यहाँ पे वेट करेंगे हम, और उसके बाद जो है अगर कनेक्शन हुआ तो ठीक, कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर से ट्राई अगेन यहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक गाइस आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या फिर आप इस तरीके से काउंटर सिस्टम अपने एप्लीकेशन में लगा सकोगे। तो गाइस अगर आपको इस काउंटर सिस्टम की AIA फाइल चाहिए तो इस वीडियो को कर दो लाइक। अगर इस वीडियो पर आगे 200 लाइक कंप्लीट हो गए इस वीडियो पर, तो मैं आपको जो है इस AIA फाइल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आपको भी चाहिए AIA तो इस वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो, ताकि जल्द से जल्द इस पे 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट हो सके। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी सवाल है सुझाव में कमेंट कर दो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरे आने वाले और भी ऐसे ही वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं उस तरफ से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।